हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेट एयरवेज के बारे में। देखिए, भयंकर तेजी देखने को मिली है जेट एयरवेज में। ऑलमोस्ट 150% अप रहा है ये शेयर। ऐसा अगर कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि 50% अप रहा है। क्योंकि आज का दिन का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो शेयर जब ओपन हुआ तब बड़ी गिरावट के साथ ओपन हुआ था। 28 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा था। आप देखिए कि मॉर्निंग 9 से लेकर ऑलमोस्ट 11 बजे तक ये शेयर 28 रुपए के करीब ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता रहा। उसके बाद सी एकदम से उसमें तेजी बनी और सिर्फ 11 बजे से 11:30 को 28 रुपए का शेयर आप देखिए 38 रुपए के आसपास ट्रेड करने लग गया। उसके बाद आप देखिए कि आधे ही घंटे में 38 रुपए से 43 रुपए में ट्रेड करने लग गया। ये शेयर 43 रुपीज तक पहुंच गया। उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ये। वही दोपहर के 2:15 तक ये एक 40 और 43 रुपए के आसपास ट्रेड करता रहा। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इवनिंग को 3:20 तक 3:20 का तक थोड़ी तेजी आई और 48 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड करने लगा। 48 रुपीज के आसपास ट्रेड करने लगा 3:20 के तक, और सीधे ही 3:25 पर 48 रुपए का शेयर 74 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लग गया। 74 रुपए के ऊपर, और एट द एंड ऑफ द डे 3:30 पर वही 74 रुपए का शेयर थोड़ा बहुत गिरा और 73 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ। बहुत ही बड़ी तेजी आप इसको कह सकते हैं, रिस्क वाली तेजी आप इसको कह सकते हैं। शेयर्स आप देखिए काफी ड्रामेटिक तरीके से आप इसमें पहले गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर फ्लैट रहा, और सिर्फ जब मार्केट बंद होने में सिर्फ 10 मिनट का समय रह गया था, सिर्फ 10 मिनट का समय, उसी वक्त आप देखिए कितना बड़ा चार्ट यहां पर लगा। अब आप सोच सकते हैं कि देखिए जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी इस टाइम पर। क्योंकि डेफिनेटली फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब आप एक बड़ा लॉट खरीदते हैं और उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने अनप्रिडिक्टेबल तरीके से सिर्फ 5 मिनट में पैसा बन भी जाएगा और बर्बाद भी हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पैसा बनेगा भी और बर्बाद होगा। और आप खुद देख सकते हैं कि जो स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल रही है वो वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम इस तरीके का स्पाइक देखने को मिलता है। तो उसके पीछे का रीजन भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें जेट एयरवेज स्टॉक सर्ज 150% इंट्राडे ट्रेडिंग BSE क्लेरिफिकेशन। देखिए 150% का ग्रोथ देखने को मिला है किसी शेयर में। आज से पहले इतना बड़ा ग्रोथ बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिला होगा। 150% का ग्रोथ किसी शेयर में नहीं देखने को मिला होगा। आप देखिए शेयर ऑफ द ग्राउंडेड एयरलाइंस जेट एयरवेज सर्ज वूपिंग 146% टुडे इन इंट्राडे ट्रेडिंग अहेड ऑफ द क्रूशियल ऑर्डर वेदर द एयरलाइन विल गो अंडर बैंकरप्सी और नॉट। देखिए आज 20 तारीख को बैंक जो इनके ऊपर हियरिंग थी प्ली के ऊपर कि ये बैंकरप्सी कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर आज एक हियरिंग थी। अनयूजुअल राइज इन जेट एयरवेज स्टॉक प्राइस प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू द स्लिक कैरिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी। तो कंपनी की तरफ से कैरिफिकेशन मांगा गया है। द एक्सचेंज हैज सॉट कैरिफिकेशन फ्रॉम जेट एयरवेज इंडिया ऑन जून 20, आज जून 20 को, विथ रेफरेंस टू इंक्रीज द प्राइस। द रिप्लाई इज अवेटेड एन एक्सचेंज शेयर इज ब्रीफ स्टेटमेंट। तो देखिए इनसे मांगा गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, और अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन जेट एयरवेज की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। देखिए शेयर ऑफ जेट एयरवेज ओपन अराउंड 30 रुपीज दिस मॉर्निंग और जेट एयरवेज ट्रेडेड अराउंड एट अमाउंट फॉर द फर्स्ट टू एंड हाफ ईयर बिफोर द शेयर प्राइस गोल्डन राइज। तो देखिए 320, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में समझाने की कोशिश की कि दोपहर के 3:20 तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इस प्राइस के ऊपर क्लोज होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और यहाँ पर है कि द सर्च इन जेट एयरवेज स्टॉक प्राइस कुड सजेस्ट दैट द मार्केट आर एक्सपेक्टिंग
अ पॉजिटिव आउटकम एट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यून विच इट डिसाइड वेदर द ग्राउंडेड एयरलाइंस विल गो अंडर बैंकरप्सी और नॉट। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि जो मार्केट है वो ऐसा प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि नेशनल एनसीएलटी में जो फैसला आने वाला है वो जेट एयरवेज की फेवर में आएगा और बैंकरप्सी कोड में ये नहीं जाएगा। डेफिनेटली अगर बैंकरप्सी कोड में अगर शेयर जाता है तो शेयर में मतलब आप शेयर खत्म ही हो जाएगा, ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बैंकरप्सी कोर्ट में नहीं जाता तो देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर उम्मीद एक देखने को भी मिल सकती है। यहाँ पर है कि द कंसर्न लेंडर ऑफ द लेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइल एन इंसॉल्वेंसी प्ली विद एनसीएलटी आफ्टर नॉट रिकवरिंग एनी अट्रैक्टिव ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन टू टेक अदर ट्रबल एयरलाइन। तो देखिए अभी तक एयरलाइंस के लिए कोई भी बड़ा ऑर्डर्स मिला नहीं है और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी नेशनल लॉन ट्रिब्यून में इंसॉल्वेंसी के लिए प्ली फाइल भी किया है। यहाँ पर है कि अर्लियर दिस ईयर जेट एयरवेज हैड टू ग्राउंड ऑल द ऑपरेशनल आफ्टर द लिटरली रनिंग आउट द मनी टू पे। तो यहाँ पर बस यही दिखाया गया है कि जेट एयरवेज के पास पैसा ही नहीं है इसको चलाने के लिए और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज गिरावट भी देखने को मिली थी। द गवर्नमेंट हैड आस्क जेट एयरवेज क्रेडिटर्स टू वर्क विथ पोटेंशियल बीडर्स एंड टर्न टू कंपनी अराउंड। हाउएवर विथ नो अट्रैक्टिव बिड रिसीव द कंपनी लेटर हैज चूज टू सीक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर है कि गवर्नमेंट की तरफ से जेट एयरवेज के क्रेडिटर को बोला गया था कि पोटेंशियल बीडर्स को ढूंढे ताकि कंपनी को फिर से पटरी पर लाया जा सके, लेकिन कोई अट्रैक्टिव बीड इनको मिली नहीं तो इसीलिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चले गए एनसीएलटी के पास जेट एयरवेज को लेकर, इसलिए शेयर्स में इतनी ज्यादा गिरावट थी। लेकिन अब जो मार्केट है वो इस तरीके से प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि जो फैसला आने वाला है वो शायद जेट एयरवेज के फेवर में आ सकता है, शायद ये इंसॉल्वेंसी से बच सकते हैं, शायद ये इंसॉल्वेंसी से बच सकते हैं और यही एक रीजन है कि इसके शेयर्स में आज इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं जेट एयरवेज की बात करूँ तो देखो यहाँ पर प्राइस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो देखिए माइक्रो कैप स्टॉक बन चुका है 727 करोड़ के आसपास का। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैप एयरलाइन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। आप खुद देखिए कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है बीएससी में और एनएससी में ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। नतीजे तो देख इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में काफी ज्यादा बात कर चुके हैं कि हर क्वार्टर में करोड़ों का नुकसान ये लोग लेकर बैठे हैं, माइनस में इनका प्रॉफिट मार्जिन चला गया है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो एफआईएस के पास 1.47% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.58% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.14% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 41.614% की होल्डिंग है, अदर डीएस के पास 51.17% की होल्डिंग है। आप खुद देख सकते हैं कि 2 म्यूचुअल फंड अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है, 30 FIIs इसमें इन्वेस्टेड है, नरेश गोयल है जिनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 51% की होल्डिंग है, उसके बाद है इतिहाद एयरवेज जिनके पास 24% की होल्डिंग है और 12.17% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। 2007 से ये लोग डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। तो जेट एयरवेज में आप देखें कि यहाँ पर 150% की जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका सिंपल रीजन यही है। आप आज आपको हर जगह पर जेट एयरवेज का देखने को मिला है कि इंट्राडे में इतना बड़ा हाई यहाँ इसने लगाया क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शायद शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच सकते हैं। अब आप देखिए 52% बाइंग रिकमेंडेशन, 43% सेलिंग है, 5% की होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर बात करें इनके कर्जे के बारे में तो देखिए कर्जा इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है और इसी की वजह से ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ जेट एयरवेज को लेकर, अगर मनी कंट्रोल में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर है कि नेशनल लॉ ट्रिब्यून रिसॉल्व एंड इंसॉल्वेंसी प्ली फाइल बाय द कंपनीज लार्जर एसबीआई, तो स्टेट बैंक की तरफ से इसको फाइल किया गया है और जून 18 एज द एसबीआई फाइल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पिटिशन इन मुंबई बेंच ऑफ नेशनल लॉ ट्रिब्यून मुंबई अगेंस्ट कैश ट्रब जेट एयरवेज बिहाफ ऑफ द लैंडर्स ऑफ प्रपोज आशीष चंद। तो और यहाँ पर जो कर्जे की जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो देखो जेट एयरवेज का 800 करोड़ से भी ऊपर का कर्जा है और 26 बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, 26 बैंक लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच आर नाउ रन एयरलाइन विच मर्ज
लार्जर डेप्थ। तो यहां पर बात की जाए तो 13,000 करोड़ का वेंडर का कर्जा बाकी है, 10,000 करोड़ की इनके सॉरी 10,000 करोड़ वेंडर का बाकी है और 13,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है, जिसमें वेंडर्स का 10 है और 3,000 करोड़ की उन्होंने सैलरीज अभी तक पे नहीं की है। 3,000 करोड़ रुपए की सैलरीज अभी तक इन्होंने पे नहीं की है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस खबर के बाद जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या मार्केट में जेट एयरवेज में खरीदारी करने का रिस्क हम ले सकते हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आप जेट एयरवेज में नहीं हाथ डाल सकते, क्योंकि आप देखिए 150% ये उछला है ना। अगर अगर जरा भी मामला 19-20 हुआ तो 150% के बदले 200% नीचे भी दब सकता है ये शेयर। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जेट एयरवेज में जब तक तो कोई कॉन्क्रीट न्यूज ना मिले, मार्केट के अजम्पशंस पे चलना हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और आप खुद सोचिए कि जेट एयरवेज, चलो अगर एनसीएलटीसी ये लोग निकल भी जाते हैं तो फिर भी कोई नया बिडर्स यहाँ पर है नहीं, कोई नया बिडर्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक इन ये वापस बिजनेस में नहीं आएंगे, वापस इनकी फ्लाइट्स उड़ना शुरू नहीं होगी, तब तक इसके शेयर्स में कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। मेरे हिसाब से जेट एयरवेज में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए आज सीखने वाली बात है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा पैसा बर्बाद भी हो सकता है इस तरीके के स्टॉक्स में जो रिस्की होते हैं। तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन से तो मैं हमेशा दूर ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी बेटर अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, पैसा आपका है। मेरे हिसाब से जेट एयरवेज में किसी भी तरीके की एंट्री, चाहे वो स्टॉक में हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो, नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।